veterans going against Team Soul. Hector will be the first one to enter into the premises. He doesn't have a single idea ki players kahan par hai. एक क्रॉस फायर हो सकता है, बट उतनी देर में सारंग ने काफी दूर दरार ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आसान कर दिया है। अगर हेक्टर ने यहाँ पर शैडो को पिक ऑफ करा यहाँ पे सैयद को, देन एवरीथिंग विल बी डन एंड डस्टेड। और इसी के साथ वी गॉट द टाइम था जब वो गॉब्लिन को कंप्लीट कर रहे थे। अब आरएनटी के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं था, उनका गेम तो ऑलरेडी खराब था। अपोलो गए, सेंसे गए, एमजे गए, अब फियर जाने से पहले थोड़ा सा गेम खराब करने की कोशिश कर रहे थे सोल की, और उन्होंने करा। गॉब्लिन का कवर वाले प्लेयर को टाइम पर आना चाहिए था एंड गॉब्लिन का गेम से जाना यहां पर टीम सोल को जरूर चुप सकता है। ब्लाइंड ऑल्दो टीम एक्स्ट्रा के अगेंस्ट जो फाइट फिर पहले अवॉइड करी थी, अब री एंगेज करी जाएगी। मान्या लॉन्ग डिस्टेंस प्रे कनेक्ट किया है, ओपनिंग नॉक निकाला अपनी टीम के लिए। इनके टीममेट थोड़ी देर पहले रॉनी नॉक आउट है, एस पावर उनको रिवाइव देने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सारंग का नेड एस पावर को नॉक करेगा और साथ ही साथ रॉनी को फिनिश। मान्या के ऊपर अब पूरा प्रेशर है, उनको कंफर्म है मान्या जान पूछ के तो बिल्कुल फाइट नहीं लेंगे, ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू प्ले पैसिव। कोशिश तो करी जा रही है पैसिव खेलने की बट तभी काफी ज्यादा होगी। जैसे अभी फिलहाल एक्स पाक को दिक्कतें हो रही थी गुजरात टाइगर से, सिचुएशन के साथ काफी बेहतरीन तरीके से डील किया एगी और सुनामी को टेक डाउन करके गुजरात टाइगर्स इतना कॉन्फिडेंस से मूव कर रहे थे, क्या उतने कॉन्फिडेंस से इस फाइट में रिकवर कर सकते हैं मुश्किल होगा। एजे काफी ज्यादा डैमेज टैंक कर चुके हैं, बेली अ पिक्सल ऑफ एचपी लेफ्ट ऑन हिम, फाइनली ये भी नॉक हो जाएंगे एंड दैट जस्ट लीव्स ब्रेंस इन द बैक लाइंस जिन्होंने स्काउट को टेक डाउन किया। ट्रेड नॉक निकाला है बट ट्रेड फिनिश नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं होगा बिकॉज आदित्य पाक डब्ल्यू एस बी काफी सारे प्लेयर्स अभी भी मौजूद है, काफी सारी एक्स फैक्टर्स वेरिएबल्स इस गेम के अंदर मौजूद है। सारंग का ये स्लैम इन क्या सक्सेसफुल रहेगा, एक्सट्रीम पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गमला बॉय बैठे थे कवर लेके, आई थिंक सारंग से वो चीज मिस हो गई बट हाई ग्राउंड से ट्रेड नॉक तो आएगा और उसी चीज के चलते एक्सपाक के पास एक एक्स्ट्रा ओपनिंग फॉर अ फ्यू सेकंड्स। आदित्य चलिए नॉक आउट फिनिश हो जाएंगे, वेलोसिटी अब बहुत ही तेज से बहुत ही खूबसूरती से अपने लिए पॉइंट्स बटोरती हुई नजर आ रही है इस गेम में। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी बट डीबीएस सबके सपने खराब करी और पंक, ओह माय गॉड दिस गाय सो गुड विद दिस वेपन। और WSF WSB जो इस टीम इस मैचअप की प्राइम कंटेंडर थी जीतने की, पहले नीचे भी उतरते शुरुआती डेढ़ मिनट के अंदर ये गेम उनको बाहर खदेड़ता नजर आया है। उतरे कुछ प्लेयर्स ढंग की लूट नहीं ले पाए, कुछ प्लेयर्स ढंग की चीजें नहीं उठा पाए एक एक करके। पहले ऐसा लगा कि हाँ 7C खिलाड़ी डाउन होंगे लेकिन दूसरी तरफ एक और फाइट बनपती हुई। आपने बात करी थी ड्रॉप क्लैशेस की, दिस वाज अ ड्रॉप क्लैश व्हिच आई वाज लुकिंग अप फॉर क्योंकि गॉड लाइक की टीम अगर ऐसे बात करें वो खेलते नजर आ रहे हैं। गॉड निक्सन जो है वो नाम आपको जाना पहचाना लेकिन है क्लच गॉड, खेलते हुए नजर आएंगे तो देखना ये है कि लाला कर क्या सकते हैं। और इनके बिल्कुल सामने टीम एक्स पाक, ये दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट लेती है। स्काउट शैडो को मोलोटॉप का शिकार बनाएंगे जरूर, स्काउट को हील भी करना है अभी के लिए। आदित्य थोड़ा सा रुक करके खेलना चाहते जरूर हैं और बिल्कुल अंदर घुस करके उनको क्लच गॉड को देखना पड़ेगा। सामने की तरफ की फाइट लिए जरूर जा सकती है, सामने घुसे एंड जिससे पहले क्लच गॉड कुछ कर सकते डीबीएस से उनको आदित्य ने अपना शिकार बनाया। दो फिनिशेस मतलब ये टीम भी दिक्कतों में। आई लव दिस पुश फ्रॉम टीम एक्सपाक बिकॉज चाहते तो अर्ली अंदर एंट्री लेके गलती भी हो सकती थी लेकिन वो गलती इन्होंने नहीं करी। ओशन इस गेम में चल क्या रहा है, तीसरी टीम अभी अभी वाइप आउट हुई है साइक की और वो फाइट तो हमें नजर भी नहीं आई, फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तीन टीमें विद इन द टाइम्स बट अभी के लिए टीम एक्सपाक के प्लेयर्स इन्होंने अभी अभी गॉड लाइक को दिक्कतें दी थी, सिर्फ जोनाथन बचे हैं लेकिन अंडर गॉड्स This might just be a big day. Day 4 is always a day of hope. Yeah. कल chaos का दिन खत्म हुआ but अब hope का दिन है और Under Gods के पास एक hope है कि कोशिश अभी भी चल रही है लेकिन आप देखिए One mistake करेगा लेकिन Jonathan pixel of HP first aid kit लगाया है UMP जाएगी अब reload पे और सामने आ चुके हैं Vexi, nade डाला जाएगा Vexi को बाहर का देने के लिए लेकिन Vexi ने पहले nade drop किया था and Jonathan just blows up. नो eliminations आए हैं 7C के पास अभी तक इस गेम में, एक ही प्लेयर बचा है उनका जंग के मैदान में लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 पॉइंट तो सिक्योर हो गए, 12 फर्स्ट एड्स भी उनके पास और आगे जा ही सकते हैं हो गया एंड ही इज क्वाइट क्लोज टू द सर्कल। उनको बस देखना है कि उनके सामने वाले प्लेस को दिक्कत हो जाए, प्लेस ऑन इंपैक्ट स्काउट को लेकर के जा चुका है। सारंग इस समय बचे हुए हैं, खुद को सोन के अंदर लेकर के जाना चाहते हैं लेकिन वैक्सीन को अगर स्पॉट कर ले तो शायद उनका 7वां फिनिश और टीम का 10वां फिनिश हो सकता है। बिल्कुल सामने ही नोस इट, ओ वैक्सी वैक्सी वैक्सी
हर बार यही होता है कि इतना सारा दिमाग लगा देते हैं, बट यहाँ पर मुलाकात होगी दो टीमों की, टीम एक्सपर्ट और यहाँ पे टीम गॉर्डन की। और हमारी जो फिनिश मीडिया कहती है कि जी गॉड किस कारण ने जलवा दिखाया, आदित्य ने जी गॉड को पिक ऑफ करा, जोनाथन कंप्लीटिंग स्काउट और जी गॉड का भी सफर खत्म। गॉर्डन का सफर खत्म हुआ, बट जाने से पहले उन्होंने गेम खराब कर दी है, उन्होंने टीम एक्सपर्ट के लिए परेशानियां बढ़ा दी। अब एक और टीम यहाँ पर आ चुकी है एंड दैट इज टीम 8-bit। मतलब इतने छोटे से झुंड में, छोटे से एरिया के अंदर बहुत बड़ी टीम्स आई और आखिरी में इट वाज 8-bit। टाइमिंग परफेक्ट थी एंड उन्होंने पनिश भी परफेक्टली किया। लेकिन क्रैट इस पोजीशन पे फाइट अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और टीम की एंट्री होगी। ग्लोबल ईस्पोर्ट जैसा हमने बात करी थी, शूटिंग रेंज से सवर्नी का रास्ता तय कर रहे थे और अगर ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं हुई ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स थर्ड पार्टी करने के बारे में सोच सकते हैं, बट आई थिंक मेडल ईस्पोर्ट्स उससे पहले कैपिटलाइज करना चाहती है। चलिए टीम एक्सपार्क को तो बाहर खदेड़ा गया है 8-bit वर्सेस। अगर बात करें हम टीम एक्सपार्क की तो ये भी आ चुके हैं हिल रोड की तरफ, स्नाइपर डार के पास का इनका एक लंबा स्प्लिट है। गॉड्स रेन के निंजा आपको मिलेंगे जो आदित्य को डाउन करेंगे और एक अच्छी हाइट इनके पास है, जल्दी से रिवाइवल देना पड़ेगा क्योंकि पुश तो खैर आने नहीं वाला है, नंबर्स एडवांटेज है नहीं गॉड्स रेन के पास। दो प्लेयर्स अपने बहुत ही जल्दी मैच में उन्होंने गवा दिए थे, बट वो जो एवरेज 6 points की मैंने बात रखी थी गॉड्स रेन के लिए वो जरूरी है और निंजा विल ट्राई एंड मेक श्योर कि वो कम से कम 6 points अपने नाम कर जाएं। और बजाय वो सिर्फ दो प्लेयर्स हैं, पुश करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं दक्ष और निंजा। आई एम नॉट श्योर कि दक्ष की आईडी से कौन खेल रहा है, ये आरू की बात की अभी का कंफर्मेशन निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए कौन सी टीम सबसे टॉप पे जा सकती है, हर किसी को देख रहे जिसका आगाज अच्छा हुआ है लेकिन निंजा अब तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो उस टीम WSB वन ऑफ द कंसिस्टेंट टीम जो अभी तक चली नजर आ रही है, यहाँ पर टॉप 5 में बने हुए, यहाँ पर दो फ्रैग्स निकाले जरूर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विक्सी को बचाना थोड़ा मुश्किल जरूर बन सकता है क्योंकि सामने खतरा है टीम एक्सपार्क का जिन्होंने उस की कोशिश, मैंने कहा था बैकलाइन से गुजरात टाइगर्स आएगी, फ्री के फिनिशेस थे अगर बैक फिनिश पर ध्यान दिया जाता, बट पीछे से आके हेलो बोला, धप्पा किया और फटाफट निकले आदित्य, कितनी नुकसानदायक सिचुएशंस। सारंग यहां पर क्या रिवाइवल दे पाएंगे, सामने से एजे आ रहे हैं, कमाल का एजे ये खिलाड़ी है, बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर, बैक टू बैक ग्रेनेड्स कर रहे हैं। रुस्तम के पास सिचुएशन तो अच्छी है, इनिशियल डैमेज बड़ा प्यारा दिया है और मेरे क्या एजे के पीछे आ गए बड़े एजे, क्या कमाल का जंप था, पोजीशन चेंज करा, ये पूरा क्लच एजे अपने नाम कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ और सेकंड मिल जाए हील करने के लिए, वो हील भी कर चुके हैं, सारंग की पोजीशन भी उनको पता है, सारंग का प्रॉब्लम यहां पर बनेगा एजे, एक और एचपी का डैमेज, एजे आप खड़े हो सकते हैं, टीम एक्सपर्ट टेबल टॉपर जरूर से बट इतना आसान नहीं होने वाला है जे। कमाल का क्लच, एक ही मैच में दो दो बहुत बढ़िया क्लच देखने मिल गए, कल भी यहां पर हो चुका और पहला झटका लग तो रहा है यहां पर टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स शायद लग चुका है यहां पर। ओह वेल बिल्कुल, राइवलरी के प्लेयर्स जो फॉल करके जा रहे थे, ओह टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स थोड़े से एएफके नजर आए और पानी में ही कहीं ना कहीं डाउन होते नजर आए, मे बी रिएक्ट कुछ इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाईफाई कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा मे बी मैच में जाने के बाद, जो आई थिंक AFK रहे हैं। आदित्य यहां पर अपनी पंप शॉटगन के साथ, रेक्स को ऑलरेडी M4 मिल चुका है तो संभल के जाना पड़ेगा। रुस्तम यहां पर पीछे से एक और खिलाड़ी के हो जाएंगे शिकार, ज़्यादा अच्छे वेपन्स नहीं है, हेलमेट वेस्ट भी नहीं है तो थोड़ा सा संभल के जाना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, बट यहां मौजूद रहेंगे स्काउट XXL पांडा, आदित्य, रुस्तम को रिवाइवल देना इतना आसान नहीं है, स्मोक करेंगे नीचे अगले कमरे में, इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, जानते हैं कौन से कमरे के अंदर खिलाड़ी है बट हेलमेट वेस्ट ना होने की वजह से, एक अच्छा वेपन ना होने की बहुत मुश्किल। चलिए ठीक है, मैं ही लेता हूं यहां से थ्रो अभी के लिए, चलिए मैं भी अभी सब कंट्रोल पे यहां पर आ जाएंगे, बट फिलहाल के लिए पांचा ट्राई शुरू करने के लिए सारंग इतना ओपन में स्मोक के अंदर ही वापस उनको नॉकआउट कर दिया जाएगा। अब एक एक करके यहां पर हर कोई ढेर होता नजर आ टीम एक्सपार्क का, तो चैलेंज जो था बहुत अमेजिंग, मतलब एक घर विदाउट कैजुअलिटी ये फाइट निकाल के तो बेहतर रहेगा, फिलहाल के लिए पाना कोशिश जरूर करेंगे, है तो जरूर थॉम्सन लेकिन लिमिटेड बुलेट्स, ओनली 52 बुलेट्स रिमेनिंग यहां पर दोनों तरफ से उनके ऊपर, के राव यहां पर क्या क्या देते हैं, इज द लास्ट मैन स्टैंड एंड इस वेपन से तो आप वो क्लच की उम्मीदें भूल जाइए, DBS होते तो एक उम्मीद रहती।